सो हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये मेरा पहला वीडियो है पबजी मोबाइल प्रो सीरीज़ का, जो मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। और जिनको नहीं पता ये क्या है, तो उसके लिए मैंने 2.48 मिनट का एक वीडियो बनाया है, आप लोग जाके देख लो। मैं सारे गेमर्स की जो है उनकी प्रोनेस, वो क्यों प्रो है, उनकी सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूँ या फिर उनको डिकोड करने वाला हूँ, सारे चीज़ मैं इस पर बताने वाला हूँ। तो आप लोग जाके उसको देख सकते हो ये क्या है। अगर नहीं पता है तो बस ऐसे ही देख लो। मैं इस पर बताने वाला हूँ एथेना गेमिंग का सीक्रेट्स, वाई एथेना इज प्रो, और उसके जो पॉइंट्स जो उसको प्रो बनाते हैं, उसको यूनिक बनाता है, और आप उसकी तरह कैसे बन सकते हो, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और एक बीट बाई बीट में हर चीज़ बताऊँगा। तो जानने के लिए आखिर तक जुड़े रहिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब घंटा वगैरह सब कुछ करना मत भूलना। गाइज, यहाँ सबसे बड़ी चीज़, आप वीडियो देखते देखते कमेंट कर दीजिए आपको अगली वीडियो कौन से गेमर पर चाहिए या किस पर चाहिए और उसके किस चीज़ पर चाहिए, तो मैं अगला वीडियो उस पर बनाने की ट्राई करूँगा। तो गाइस, एथेना का जो पहला चीज़ है जो उसको दूसरों से अलग बनाता है, वो उसका रिएक्शन टाइम। ये उसका एक रॉ स्किल है जो उससे पहले से ही है, बस कुछ ही पीसी प्लेयर्स का इस तरह की स्किल से जो एथेना की तरह रिएक्ट कर सकते हैं, रिएक्शन टाइम देख सकते हैं। क्योंकि मैंने आज तक मोबाइल में किसी प्लेयर के पास ये रिएक्शन टाइम नहीं देखा। रिएक्शन टाइम का मतलब ये होता है जो अभी वो डिस्प्ले पे कर रहा है, मतलब एम बंदे से कनेक्ट हुआ या फिर बंदे को आप स्पॉट किए तो आप फटाक से रिएक्ट करके मारना है, या फिर आपका एम क्रॉस है यार, या फिर आपका स्कोप का जो डॉट्स होता है वो बंदे से कनेक्ट हुआ तो फटाक से आपको मारना है और आपका मूवमेंट चेंज करना है, वो होता है रिएक्शन टाइम। तो गाइस, यहाँ पर रिएक्शन टाइम की बात चल ही रहा है तो जो नंबर टू आता है वो होता है रिफ्लेक्सेस। और कोई कंफ्यूज मत होना, रिएक्शन टाइम और रिफ्लेक्सेस के बीच में फ़र्क है, क्योंकि रिफ्लेक्सेस मतलब आपको बंदे को स्पॉट करके उसको एम लगा के मारना है, मतलब लाइक बंदे आपके राइट में हो, लेफ्ट में हो, कहीं अभी वो एथेना ने अभी जैसे स्नाइप किया, तो ये होता है रिफ्लेक्सेस। आपको बंदे आपके किसी और डायरेक्शन में होता है तो आपको फ्लिक की तरह उसकी तरफ ला के मारना है, या फिर बंदे स्पॉट करने की स्किल, एमिंग की स्किल, ये सब आता है रिफ्लेक्सेस में। रिएक्शन टाइम भी एक पार्ट है रिफ्लेक्सेस की, लेकिन रिएक्शन टाइम स्पेशली एक रॉ चीज़ है जो रिफ्लेक्सेस से उसको अलग करती है, वो बस एक आप बोल सकते हो सबसेट है रिफ्लेक्सेस की, क्योंकि रिएक्शन टाइम सिर्फ एक चीज़ है और रिफ्लेक्सेस कुछ चीज़ों का जो होता है कॉम्बिनेशन होता है। तो एथेना के पास ये दोनों चीज़ और एक तीसरी चीज़ है जो है फास्टर ब्रेन एंड शार्पर ब्रेन, ये तीन चीज़ उसको अलग बनाते हैं दूसरों से। ये तीन उसकी रॉ स्किल्स है जो जो आपको शायद कोई नहीं दे सकता सिवाय प्रैक्टिस के, या फिर उसने ऐसे कैसे अचीव किया, या फिर उसके पास ये पहले से गॉड गिफ्टेड था, ये सब मैं नहीं बता सकता, लेकिन यही तीन चीज़ें जो उसको सबसे ज़्यादा स्पेशल बनाती है। तो गाइज, अभी बता ही दिया है तो आ जाते हैं अपनी थर्ड पॉइंट पर जो है फास्टर एंड शार्पर ब्रेन। जैसे कि आप देख सकते हो इस वीडियो, फास्टर एंड शार्पर ब्रेन मीन्स फास्ट एमिंग, फास्ट मूवमेंट, फास्ट गन चेंजिंग, या फिर कुछ डिसीजंस जो आपको लेना होता है ड्यूरिंग फाइट। आप यहाँ पर देख सकते हो एथेना भाग के गया और ऊपर पे उसने ग्रेनेड कर दिया। अब ये डिसीजन लेना भी आपकी एक तरह की फास्टर ब्रेन एंड शार्प ब्रेन की एक मतलब टेक्निक होती है, तो वो जो आपको मदद करता है ड्यूरिंग फाइट आपको कामनेस रखने की, और ये चीज़ उसकी पहले से ही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिएक्शन टाइम और रिफ्लेक्सेस, ये दोनों फास्ट एंड शार्प ब्रेन की वन ऑफ द पार्ट है जैसे आपके साथ, तो ये पिछले दोनों इसकी सबसेट है। एंड टीपीपी टू एपीपी चेंज भी हम मिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी एक आपकी दिमाग फास्ट होने की एक और आपकी मतलब फेवर होता है। लाइक आप टीपीपी टू एपीपी स्विच करके भी उसके साथ एक्वेंटेड रह सकते हो, और ये बहुत से जगह पर आपको मदद करता है फाइट लेने में। लाइक आप स्टेयर पे चढ़ रहे हो या फिर वन वर्सेस वन जा रहे हो, वो एथेना ये चीज़ हमेशा करता है और वो उसको बहुत से फ़ायदा देता है। गाइज, यहाँ पर बात एथेना गेमिंग की हो रही है तो उसकी एक और चीज़ जो हम मिस नहीं कर सकते जो है उसका यूनिक कंट्रोल, जो सबसे यूनिक कंट्रोल उसका है। मानता हूँ आईपैड के लिए शायद उसको ये कंट्रोल के लिए आसानी होती होगी, लेकिन उसकी कंट्रोल एक अमेजिंग कंट्रोल है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि हर कोई मास्टरी नहीं कर सकता इस तरह के कंट्रोल उसका। आप देख सकते हो जंप और क्लाइम का बटन अलग अलग है, पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी शार्प ब्रेन जो इस सारे कंट्रोल्स को आराम से अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। टीपीपी टू एपीपी स्वाप भी उसका हमेशा ऑन रहता है, जिसको हम मिस नहीं कर सकते। और एक चीज़, उसकी व्हीकल की कंट्रोल, वो भी उसको दूसरों से अलग है उसका व्हीकल का कंट्रोल, क्योंकि वो आईपैड से खेलते हैं तो उसको इजी होता है व्हीकल को मल्टी डायरेक्शनली मूव करना। अब गए जाते हैं अपनी फिफ्थ पॉइंट पर, जो किसी भी प्रो प्लेयर्स का सबसे अलग और यूनिक होता है, जो है सेंसिटिविटी। लेकिन इनके सब एथेना गेमिंग ये कुछ ज़्यादा ही अलग है, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी कुछ ज़्यादा ही लो है, बहुत ही लो है, लाइक पीसी की तरह लो है उसकी सेंसिटिविटी।
और जिनको लगता है कि एथेना जायरोस्कोप नहीं खेलता तो उनकी गलतफहमी के लिए बता दूँ, एथेना जायरोस्कोप स्कोप इन पे खेलता है, ऑलवेज ऑन नहीं रखता लेकिन स्कोप इन पे वो जायरोस्कोप खेलता है। तो गाइस ये रही उसकी सेंसिटिविटी जो उसको उसकी गॉड लाइक एमिंग एंड गॉड लाइक स्नाइपिंग पे मदद करता है। तो कैसे करता है वो ये चीज़, लाइक उसका क्रॉस है यार, वो थंब से ही मूव करके, क्योंकि आज उसके आईपैड 10.8 पे ज़्यादा डिस्प्ले है तो उसको थंब से मूव करके बंदे के पास रहता है एंड स्कोप ओपन के बाद तो जायरोस्कोप से बहुत ही, जायरोस्कोप का सेंसिटिविटी भी आप देख सकते हो उसका बहुत ही लो है, तो बंदे के हेड पे बिल्कुल लाता है और उसके लिए एक्यूरेसी चाहिए और बहुत से ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, हेड पे खुलता है देन वो शॉट लेता है और इसके लिए उसका रिएक्शन टाइम भी उसको हेल्प करता है, जिसके लिए एथेना का स्नाइपिंग कितना बेहतर है और एथेना का एमिंग भी। और जिनको ये नहीं पता मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूँ, एथेना जायरोस्कोप सिर्फ और सिर्फ स्नाइपिंग के लिए यूज़ करता है और एंड वो सिर्फ एडीएस से ही अपनी रिकॉइल कंट्रोल करता है। ये मैंने बहुत से उसके जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी और उसके वीडियो के रिकॉइल कंट्रोल हैंड कैम वगैरह देख कर ही पता लगाया है। एंड गाइज द सिक्स थिंग इज उसका एक्सपीरियंस, जिनको नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए बता दूँ, एथेना गेमिंग सीजन 1 से पहले एक दो महीने पहले जब बेटा टेस्टिंग निकला था पबजी मोबाइल का तब से खेल रहा है, तो जब हमने शुरू किया तब तक वो तो सोलो वर्सेस स्क्वाड का भी प्रो बन चुका था। और आप इसको कैसे गेंस कर सकते हो, तो उससे ज़्यादा खेलो, आप जितना हो सके उतना खेलो, क्योंकि उस बंदे ने सारे मैप्स के सारे सीक्रेट लोकेशंस और किस बिल्डिंग पे कैसे पुश करना है उसके मुंह पे है, उसने सब कुछ याद रख लिया है, तो इसलिए उसको ज़्यादा बेनिफिशियरी रहता है किसी और से। एंड गाइस पबजी मोबाइल से पहले जब वो क्रिटिकल ओपीएस खेलता था उस चीज़ को भी हम नहीं भूल सकते, क्योंकि उसने उसको एमिंग करने में बहुत सी मदद की है, जो वो खुद भी बताता है एथेना कि मैं क्रिटिकल ओपीएस की वजह से आज पबजी में प्रो हूँ। तो इस पर हमें हम कुछ कर नहीं सकते ना ही कुछ डिस्कशन कर सकते, क्योंकि एक्सपीरियंस एक मेमोरी है जो हमें खुद गेन करना पड़ता है। तो गाइज यहाँ पर मैं जो बताने वाला हूँ सेवेंथ एंड फाइनल चीज़, उसे सुनकर कुछ लोग मुझे पीटेंगे, लेकिन कैसे एथेना रैंक पुश करता है सोलो वर्सेस स्क्वाड पे, वो हर सीजन एस जाता है, वो भी स्टार 3 स्टार 2 तक भी चला जाता है, तो वो ये कैसे करता है ये मैं उसका सीक्रेट मैं यहाँ पर रिवील करने वाला हूँ। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसका जो एथेना का होता है वो ड्रॉप लोकेशन। तो अगर आपने मार किया होगा, एथेना हमेशा हॉट ड्रॉप नहीं लेता, वो 2x3 हॉट ड्रॉप लेता है, मतलब 3 या 4 मैचेस से वो 2 हॉट ड्रॉप लेता है। अगर बार बार मर रहा है उसका मूड नहीं है खेलने को, तो वो ड्रॉप लोकेशन चेंज करता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड दूसरी चीज़, अगर वो हॉट ड्रॉप लेता है तो गाइस वो उतरता है ऐसे पॉइंट्स पर किसी किसी ड्रॉप में, कभी कभार तो डायरेक्ट गन फाइट ले लेता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम एथेना करता क्या है, ऐसी जगहों पर उतरता है जहाँ पर उसको इंस्टेंट गन फाइट लेने की ज़रूरत ना पड़े, उसको वो खुद सेफ रहे, लाइक हीलिंग्स हेलमेट बेस्ट और गन बन वगैरह लेके ही वो फाइट लेने जाए, ये टेक्निक वो अप्लाई करता है। एंड द फाइनल चीज़, जब वो हॉट ड्रॉप क्लियर करता है और आगे बढ़ता है, तब आपने मार्क किया होगा वो एक प्रो लेवल की कैंपिंग होती है, लाइक कैसे, ऐसा नहीं कि आप कैंप करके बैठ गए हो, ऐसा वो नहीं करता है, वो इधर उधर गाड़ी लेके घूमने से ज़्यादा मरने से अच्छा है। एथेना एक ऐसा स्पॉट पता है और इसके लिए एक्सपीरियंस बहुत काम आता है, मैप पे बस ऐसा स्पॉट वो ढूंढता है जहाँ से मैक्सिमम बंदे गुजरेंगे और वहाँ से वो 7 से 8 बंदे मीडियम गेम पे मार सकता है। अगर आपने मार्क किया होगा तो एथेना का सिर्फ कुछ ही परसेंट मैचेस उनके 20 या 25 प्लस किल जाता है, मैक्सिमम मैचेस उसका 15 से 20 के बीच ही किल जाता है जिन पे चिकन डिनर होता है। उसका रीजन बस यही है कि वो मिडिल पे बहुत कम फाइट लेता है, आवर्ड करता है फाइट को, जिसकी वजह से उसकी चिकन डिनर की परसेंटेज बढ़ जाती है और मरने की परसेंटेज कम हो जाती है, और ये उसकी केडी एंड रैंक भी पुश कर देती है। तो गाइस अब बात करते हैं आप उसकी तरह कैसे खेल सकते हो। तो गाइस आप देख सकते हो वीडियो ऐसे भी 9 मिनट से ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो इसके लिए मैं कल ही एक वीडियो आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ, उसको मैं पहले से ही बना चुका हूँ, आप कैसे एथेना की तरह खेल सकते हो, तो उससे देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। एंड गाइस उसकी गेमिंग स्टाइल का एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, आखिरी जोन में एथेना जितना हो सके उतना फाइट लेता है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा किल मिल सके, क्योंकि आखिर जोन में सब लोग थोड़ा सा सेफ रह जाते हैं और उस वक्त तो किल लेने में ही ज़्यादा भरोसा रखता है। तो गाइस बस आज तक इतना था, अगर अच्छा लगा तो अगले किस पर वीडियो बनाओ आप लोग कमेंट करके बताना। एंड गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अगर कुछ मिस किया तो उसको भी कमेंट कर देना, और गाइस सब्सक्राइब करो, इस तरह से और भी बंदों को हम वीडियो लेके आएंगे उसे जानने के लिए, जरूर सब्सक्राइब करो। टेक केयर, बाय बाय।